Hey, so here is the question number 8, which according to me you must give the objection to HPCL. Question number 8, इस question को भी देख लीजिए. According to me, इसका answer क्या होना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ. Which of the following statements about contact ratio is correct? So यहाँ पर decreasing the addendum results in higher value of contact ratio दिया हुआ है, ये गलत है. Increasing the addendum रिजल्ट इन हायर वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट रेशियो. डियर, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है. आप जब एडेंडम बढ़ाते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट रेशियो बढ़ जाता है. एंड ऑप्शन 3 में देखिए, बोथ एडेंडम एंड बेस सर्किल डायमीटर हैव इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्टैक्ट रेशियो. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर 2 और 3 बोथ होगा. बट क्योंकि ये आप मल्टीपल करेक्ट नहीं थे, मतलब मोर देन वन करेक्ट नहीं थे, तो यहाँ पर आप 2 या 3 दोनों एक साथ नहीं लगा सकते थे. तो आई थिंक जिन्होंने 2 लगाया है उसको भी आंसर मार्क्स मिलने चाहिए, और जिसने 3 एज एन ऑप्शन लगाया है उन्हें भी मार्क्स मिलना चाहिए. तो इस दोनों ही सिचुएशन में मार्क्स मिलना चाहिए. तो आप ऑब्जेक्शन जरूर कर सकते हैं, बिकॉज HPCL ने इसका आंसर सिर्फ 3 दिया है.